नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं जेनफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट के बारे में। जेनफ्लॉक्स ओजेड टेबलेट को मैनकाइंड कंपनी बनाती है, जिसकी प्राइस है 129.90 रुपये पर स्ट्रिप। इसमें जो कंटेंट डाला गया है वो है ओफ्लॉक्सासिन 200 mg और ओरिंडाजोलोदस में 500 mg। इसका यूज आप स्पेशल डॉक्टर सलाह से करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये टेबलेट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। जेनफ्लॉक्स ओजे टेबलेट दो दवाओं की एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ पैरासाइटिक इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करती है। जैसे कि अगर आपको डायरिया या फिर डिसेंट्री यानी दस्त या पेचिस की समस्या हो गई है, जिस कारण आपको दस्त के साथ खून आने लग गए हैं, बार बार दस्त आ रहे हैं, पेट में मरोड़े आ रहे हैं, साथ ही आपको अमीबियासिस की समस्या हो गई है, दांतों की या फिर मसलों की कोई समस्या है, जैसे दांतों में या फिर मसलों में दर्द है, मसलों में सूजन आने लग गए हैं, दांतों से या फिर मसलों से खून आ रहे हैं, तब ऐसे में इसका यूज काफी इफेक्टिव है। और भी आपको कान बजने की कोई समस्या है, किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन हो गया है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, कोई गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो गया है, फेफड़ों का इन्फेक्शन हो गया है, प्लेग है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की समस्या है, यूटीआई के कारण मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण आपको पेशाब में दर्द, जलन या फिर पेशाब के साथ खून आने की समस्या हो रही है, या फिर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से किसी तरह की समस्या है, तब इसी सभी समस्याओं में इसका यूज सबसे ज्यादा असरदार है। साथ ही आपको जीआरडीसीज की समस्या है, बैक्टीरियल वेजेनोसिस की समस्या है, कान का किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, ट्राइकोमोनोसिस की समस्या है, निमोनिया है, टॉन्सिलाइटिस की समस्या है, या फिर आपको ENT के संबंधित किसी तरह की समस्या है, साथ ही आपको टाइफाइड फीवर आ गया है, एंथ्रेक्स और ब्रोंकाइटिस जैसी सभी समस्याओं में डॉक्टर इसे यूज में लेने की सलाह आपको दे सकते हैं, जहां इसके काफी शानदार जो आपको देखने को मिलते हैं। इस टेबलेट में होने वाला ओफ्लॉक्सासिन एक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप का एक एंटीबायोटिक है, जो DNA गायरेज को इनहिबिट करता है। मतलब क्या है कि ये बैक्टीरिया की जो सेल्स होती हैं उनको अलग होकर उनका जो अपने आप उनको जो मरम्मत करते हैं, मतलब अपने आप को जो रिपेयर करते हैं, उनको रोकने का काम करता है। और ओरिंडाजोल एक एंटी प्रोटोजोल ग्रुप की दवा है, जो पैरासाइट्स की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है या फिर उनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उनको रोकने का काम करता है। और भी ये एक एंटीबायोटिक है, इस कारण जो भी यूजेस मैंने बताए हैं, हो सकता है कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इसे और भी कई अलग अलग बीमारी में आपको यूज में लेने की सलाह दे सकते हैं। बात करते हैं इस टेबलेट के सावधानियों के बारे में। तो अगर आपको इसमें मौजूद किसी भी कंटेंट से एलर्जी है, आपको लीवर या किडनी डिजीज है या फिर कोई भी सीवियर डिजीज है, साथ ही आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट मदर हैं, तो इसी सभी कंडीशंस में इसका यूज करने से पहले आपकी जो भी कंडीशंस हैं वो डॉक्टर्स को जरूर बताएं। एक चीज जरूर ध्यान रखें कि इसे लेते टाइम आप अल्कोहल को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप इस टाइम की मतलब अगर अल्कोहल भी यूज कर रहे हैं और ये दवा भी ले रहे हैं, तो ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा चक्कर आने की समस्या नजर आ सकती है। बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो नॉर्मल कंडीशन में जो इसका डोज होता है वो है एक एक टेबलेट सुबह शाम भोजन के बाद में, पर अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका डोज चेंज हो सकता है, जो कि डॉक्टर डिसाइड करेंगे। बात करें इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में, तो इससे नींद आने में कठिनाई होना, जिसे हम अनिद्रा कहते हैं, उसकी समस्या आपको हो सकती है, सर दर्द कर सकता है, खुजली वगैरह आपको चल सकती है, और लेडीज में वेजाइनल स्वेलिंग की समस्या हो सकती है, यानी उनकी योनि में सूजन आने की समस्या आपको नजर आ सकती है। ये जो साइड इफेक्ट है ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट होती है, तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।